साथियों, हमारे YouTube चैनल GS में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। इस समय कोरोना नाम की महामारी चल ही रही है, तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और आप घर पे रहकर कुछ पढ़ाई करें, इसीलिए हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है। आज हम हिंदी की हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। पिछले क्लास में हमने विशेषण के विषय में बताया था, आज हम अपनी 5वीं क्लास में कारक के विषय में पढ़ेंगे। चलिए कारक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों का जब संबंध सूचित जो शब्द करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से जो शब्द सूचित करेंगे वो कारक कहलाएंगे। कारक सबसे पहले कारक कितने होते हैं? तो कारकों की संख्या होती है, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक की संख्या कई बार पूछी जा चुकी है कॉम्पिटिशन्स में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछी जा चुकी है। ये हिंदी में कारक आपके होते हैं 8। खैर, संस्कृत की बात अभी नहीं करना है, हिंदी में आपको ध्यान रखना है कारकों की संख्या होती है 8। ये 8 कारक कौन कौन से होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका कारक आता है कर्ता, दूसरा कारक आता है आपका कर्म, तीसरा कारक आपका आता है करण, चौथा कारक आपका आता है संप्रदान, पांचवा कारक होता है आपका अपादान, छठा कारक होता है संबंध, और सातवां कारक होता है आपका अधिकरण। फिर नीचे तक दिख रहा है, नीचे तक सबको 8वां कारक आपका होगा संबोधन। ये आपके 8 कारक हो गए। इन कारक चिन्हों के विषय में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, बाद में आपका और भी चीजें बताएंगे। सबसे पहले कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। इधर आपका है कारक, चाहे तो इसे नोट कर लें, ये कारक, और इधर आपका लिखा है चिन्ह। कर्ता ने, चलो से ब्लैक्स, कर्म को, करण से या के लिए, के द्वारा, संप्रदान के लिए, यहां भी एक कारक चिन्ह आपका आता है को, देने के अर्थ में। यह आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है, को आपका अगर आएगा तो को यहां भी है, यहां भी है। इस को में और इस को में क्या अंतर है, आगे हम उदाहरणों के द्वारा उसे स्पष्ट करेंगे। अपादान से, अब देखिए से यहां भी था, से यहां भी है, लेकिन ये आपका अलग होने के अर्थ में हो जाएगा। अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये आ जाते हैं आपके। अधिकरण में पर, और इसमें आ जाता है हे, भो, अरे, इस तरह के आ जाते हैं। इसमें संबोधन में आपका संबोधन चिन्ह भी जरूर होगा। तो ये आपके हमने कारक बताए हैं, ये कारक चिन्ह बताए हैं। अंतर अभी हम आपको इस पर डिस्कशन भी करेंगे, एक एक उदाहरण हम देख लें इनका। कर्ता ने, अब देखिए कर्ता, जिसे हमने यहाँ लिख दिया राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? कर्ता। तो यहां किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है? राम के द्वारा पढ़ी जा रही, तो राम क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया। इतनी बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि ने चिन्ह आए ही यहां, बहुत सी जगह, जैसे यहां हमने लिख दिया मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, यहां ने नहीं आया। लेकिन वही मैं बता रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, हम चिन्ह ढूंढते हैं। क्वेश्चन आया, उसमें पूछा गया कर्ता कौन है, तो हम चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह किसके बाद लगा है वही कर्ता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि चिन्ह लगा ही हो कर्ता के साथ,
यहां देखिए चिन्ह नहीं है, लेकिन चूंकि कार्य करने वाला कौन है? मोहन। चलिए यहां दिख नहीं रहा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मोहन बाजार गया। ये बाकी लिखा हमने, मोहन बाजार गया, शायद वो आपको दिख नहीं रहा था, यहां दिख रहा होगा। तो मोहन बाजार गया, यहां ने नहीं आया है, लेकिन हमें फिर देखना पड़ेगा कि कार्य करने वाला कौन है। तो कार्य तो किसके द्वारा हुआ? मोहन के द्वारा। तो कर्ता कौन हुआ? मोहन। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं यहां हमने लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी, यहां ने आ गया, तो ने से पहले वाला कर्ता हो गया। ये तो एक सिंपल सा वाक्य हो गया जिसमें कोई भी पहचान लेगा, छोटा बच्चा भी पहचान लेगा कि हाँ इसमें जब ने है, ने से पहले वाला कर्ता होता है, तो वो तो कर्ता सब पहचान लेंगे। अब बात आ रहा है, बात आई मोहन बाजार गया, तो मोहन इसमें मोहन ने बाजार गया वाक्य नहीं बनेगा, तो यहां कर्ता का चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन कार्य तो हो रहा है किसी के द्वारा, तो जिसके द्वारा कार्य होगा वो आपका कर्ता होता है। आपको ध्यान रखना, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। यहां किसके द्वारा कार्य हुआ? मोहन के द्वारा, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता। इसी तरह अगर हम यहां लिख दें, सीता गीत गाती है, तो यहां सीता के द्वारा गीत गाया जा रहा, सीता क्या हो गई आपकी? कर्ता हो गई। चलिए इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना नोट करने वाली कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आपको ऐसे भी ध्यान रह सकता है ये। अब बात करते हैं हम करण की, तो देखिए कर्म की बात करेंगे, दूसरा कारक आपका है कर्म। तो अब यही वाक्य अगर हम देख लें, चलो इसे बाद हम देखते हैं, पहले दूसरा हम वाक्य ले रहे हैं, सोहन ने दूध पिया, सोहन ने दूध पिया, तो सोहन तो हो गया आपका कर्ता, दूध आपका। अब देखिए कार्य क्या हो रहा है, दूध पीने का कार्य हो रहा है, यहां कौन सा कार्य हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो यह हो गया आपका कर्म। आपको ध्यान रखना है, हमने यहां दो लाइनें खींची हैं, यहां सिंगल लाइन थी, ठीक है, सिंगल लाइन जिस पर खींची है वो था कर्ता, यहां हमने दो लाइनें खींची, ये आपका हो गया कर्म। आपको ध्यान रखना है, जो कार्य हो रहा है वो आपका कर्म होगा। कार्य जो हो रहा है, यहां दूध पीने का कार्य हो रहा है, दूध आपका कर्म हो गया, यहां पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, पुस्तक आपका कर्म हो गया। ये जरूरी नहीं कि एक वाक्य में आपसे पूछेंगे कि इसमें कर्ता कौन सा कर्म कौन सा, ऐसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो अंडरलाइन दे रखी होगी। जैसे अगर यहां दूसरा एक वाक्य लिख दे रहे हैं हम, किसान हल चलाता है, ये वाक्य हमने लिख दिया, किसान हल चलाता है, यहां अंडरलाइन दे दी हल के नीचे, हल क्या है, अंडरलाइन क्या दे दी, हल क्या है। तो आपको देखिए अब ये हल जो है वो आपका क्या होगा, आपको पहचानना पड़ेगा किसान क्या कर रहा है, हल चलाने का कार्य कर रहा है, तो हल क्या हो गया, कर्म। कर्म का मतलब होता है काम, कौन सा काम कर रहा है, हल चलाने का काम कर रहा है, तो किसान क्या हो गया, कर्ता, हल कर्म हो गया, बाकी ये क्रिया है, ठीक है, वो तो एक अलग बात है, क्रिया के बारे में बाद में बात करेंगे, हमें इन दोनों में देखना है। अब जैसे वाक्य दिया उन्होंने, किसान हल चलाता है, इसमें हल के नीचे अंडरलाइन दे रखिए, और पूछेगा हल क्या है या रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, रेखांकित अंश जरूर पूछेगा, क्योंकि ऐसे तो इसमें दो है, कर्ता भी है कर्म भी है, तो कर्ता भी है कर्म भी है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि निम्न वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे, कर्ता भी सही, आपका कर्म भी सही, और अगर ऑप्शन दोनों हैं तो फिर दोनों ही सही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, या तो अंडरलाइन देंगे या फिर कर्ता या कर्म में से एक ही ऑप्शन में होगा, दूसरा ऑप्शन में नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, देखिए करण की, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब हम बात करेंगे करण, करण आपका ये है, देखिए करण का मतलब होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे हम यहां लिखें सोहन बस से गया, चलो द्वारा लगा लो, बस के द्वारा गया, यहां कर्म नहीं है, कर्ता है और करण है। मोहन कलम से लिखता है, ध्यान देने की बस दो वाक्य मैंने लिखे हैं, दो वाक्यों से ही आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें के द्वारा आया है, यहाँ से आया है, ये दो चीज़ें आई हैं, हमने इसका चिन्ह क्या दिया, से या के द्वारा, दोनों दिए हैं।
अब सोहन बस के द्वारा जा रहा है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो बस के द्वारा जा रहा, बस के, बस क्या है, एक करल है, साधन है, करल का मतलब साधन, करल का अर्थ साधन से, आप जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, कर्ता कार्य की सिद्धि में, ध्यान से समझना, कर्ता कार्य की सिद्धि में, सिद्धि का मतलब कार्य को पूर्ण करने के लिए जिस साधन का भी प्रयोग करता है वो आपका होता है करण। जैसे मैं आपको यहां लिख रहा हूं, मैं लिख के समझा रहा हूं, तो मैं किस चीज से लिख रहा हूं, ये मार्कर है, सीधी सी बात है, ये मार्कर है, ये क्या हो गया, ये हमारा साधन है, लिखने का साधन क्या है, मार्कर है, तो ये मार्कर क्या हो गया, आपका करण हो गया। यहां देखिए भाई है, मोहन कलम से लिखता है, अगर कलम क्या हो गया, लिखने का साधन है, तो ये बस और कलम ये आपके हो गए करण, क्या हो गए करण, तो ये आपका करण, ध्यान रखिए। देखिए से यहां भी आएगा, उसमें भी बताएंगे कैसे से आएगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम संप्रदान, संप्रदान में के लिए, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया हो, जिसके लिए कार्य को किया गया हो, जैसे हमने यहां लिखा राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। आपको ध्यान देना है, ब्राह्मण को हमने कहा को देने के अर्थ में अगर आएगा तो संप्रदान होगा, अन्यथा कर्म होगा, तो को कर्म का भी है, को यहां भी आया है, तो सीधी सी बात है, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये यूपी लेखपाल 2015 में जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन बस गाय की जगह उन्होंने क्या दे रखा था, कंबल, बता दूं पूरा ही कंबल दिया, इस तरह से वाक्य दिया था, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन हिंदी में आया था, राजा ने ब्राह्मण को कंबल दिया, और पूछा था इसमें ब्राह्मण को रेखांकित अंश था, पूछा था रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, अधिकतर बच्चे क्या लगा के आए, कर्म, क्योंकि उन्हें को मिल गया था, बस वही रटते चले आए, एक रटने वाली आपने देखा होगा, बच्चे रटते करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस तरह जो पूरा रट लेते हैं, वहां आपको ये को नहीं बताया जाता है, यहां चूंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं इसलिए इस को भी हम बहुत ध्यान से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए राजा ने ब्राह्मण को कंबल दिया, लगभग 80% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, को आया, लेकिन अब हमने क्या बताया, यहां देने के अर्थ में जब भी को आएगा तो कौन सा होगा, संप्रदान, तो देखिए यहां कंबल दिया देने का अर्थ आ गया, जब देने का अर्थ आया तो को में आप क्या लगा देंगे, सीधे संप्रदान। इसके अलावा और भी कुछ वाक्य हैं, जैसे यहां लिख दिया मैंने रमा ने सुरेश को पुस्तक दी, तो यहां देखिए सुरेश को आया है, तो ये आप सुरेश को या के लिए एक ही बात है, देने के अर्थ में आया है तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो होता है संप्रदान, समझ गए, जिसके लिए कार्य किया जाता है संप्रदान। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं जहां संप्रदान तक के कारक सब आ जाएंगे, ध्यान से देखना है, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा, ठीक है। अब देखिए यहां राम हो गया कार्य करने वाला, राम ने कर्ता, क्या हो गया ये कर्ता, रावण को मार, किसे मारा है, काम कौन सा हुआ, रावण को मारने का काम हुआ है, तो रावण क्या हो गया कर्म, बाण से मारा है, साधन कौन सा प्रयोग किया है, बाण, तो बाण क्या हो गया करण, साधन ही करण है, हमने आपको बताया किसके लिए मारा, सीता के लिए, तो ये क्या हो गया करण, ये आपके चारों कारक आ गए, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा, ठीक है, चारों आ गए। अब हम बात करेंगे आपका अपादान, क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो अपादान संप्रदान करण इनसे पूछे जाते हैं, ये तीन कारक आप ध्यान नोट कर लीजिए, इन तीन कारकों को, कारक प्रकरण से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें लगभग 90% क्वेश्चन आपके इन तीन कारकों से होते हैं, ध्यान रखना, इन तीन कारकों से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम करण, करण तो बता ही चुके हैं, संप्रदान बता चुके हैं, ये दो तो हो ही गए आपके, अपादान, इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है इसलिए इनमें ज्यादा पूछा जाता है। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग, अब जैसे जो आए हुए क्वेश्चन हैं पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूं,
क्वेश्चन एक आया था, छत से ईंट गिरी, तो आपको बस देखना क्या है, छत से ईंट गिरी, ईंट छत से अलग हुई तो सीधे सीधे कौन सा हो गया, अलग होने के अर्थ में सम अपादान। ठीक है, एक आया था क्वेश्चन, ये सब आए हुए हैं कंपटीशन में, टेट टेट वगैरह में आए हैं, लेखपाली में भी आए हैं, यूपी पुलिस में भी आए हैं। बंदर पेड़ से कूदा, अब बंदर पेड़ से कूदा, जब पेड़ से कूदेगा तो बंदर पेड़ से अलग हो जाएगा, तो यहां ये क्या हो गया, अपादान, पेड़ से अलग होना अपादान। ठीक है, अब बाकी ये तो बाकी फेमस है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये तो पढ़ते चले ही आ रहे हो, तो पत्ते जो हैं वो वृक्ष से अलग हुए तो वृक्ष क्या हो गया, अपादान। इसके अलावा यहां वृक्ष से फल गिरा, ठीक है, से सब में आएगा, वृक्ष से फल गिरा तो वृक्ष से फल अलग हुआ, तो ये भी आपका अपादान। इसके अलावा यहां हम लिख दें, राम गांव से गया, अब देखना, अब देखिए यहां तो अभी तो गिरने वाले बात थे, कूदा गिरा, ठीक है, अब यहां गांव से गया, तो गांव से जब कोई भी जाएगा, चलो ठीक है, राम मोहन सोहन कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अगर गांव से कोई भी जाएगा तो वो गांव से क्या होगा, अलग होगा, तो जहां भी अलग होने का अर्थ आएगा वहां आपका सीधे सीधे आप बिना कुछ सोचे समझे अपादान लगा दीजिए। से अगर अलग होने के अर्थ में है तो अपादान, से अगर साथ चलने के अर्थ में है तो करण, जैसे हमने कहा वह बस से गया, अगर बस से गया तो बस के साथ साथ जा रहा है, बस से अलग तो नहीं हुआ, साथ में चल रहा है उसके, तो जब साथ में चल रहा है तो करण। मैंने अगर मैं पेन से लिख रहा हूं तो पेन मेरे साथ में ही है, अलग नहीं हुआ है, तो क्या हो गया, करण, और अगर अलग वाली बात है तो यहां हो गया अपादान। अब बात करेंगे हम संबंध की, देखिए इन तीन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं संबंध में काकी के, जैसे मैंने कह दिया यह पुस्तक मेरी है, तो री आ गया, पुस्तक के साथ मेरा संबंध हो गया, ठीक है, सोहन मोहन का भाई है, संबंध का ये देखिए, सोहन और मोहन का संबंध हो गया सीधे सीधे, तो ये संबंध कारक हो गया। इसके बाद आता अधिकरण, इनके बारे में बहुत ज्यादा बताना इसलिए जरूरी नहीं, ये तो बहुत सरल है, दूसरी बात इनमें से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते थे, जहां थोड़े थोड़े अंतर थे वो हम आपको पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम अधिकरण में ऊपर, जैसे हमने कहा पुस्तक मेज पर है, ठीक है, तो मेज पर, मेज क्या हो गई, अधिकरण हो गई, ठीक है, अधिकरण। राधा कमरे में है, तो ये कमरा क्या हो गया, अधिकरण, तो जहां में या पर आ जाए वो सीधे सीधे आपका हो गया अधिकरण। अब हम बात करेंगे, हमारा केवल संबोधन बचा है, संबोधन को यहीं पे नीचे तक का दिख रहा होगा, नीचे तक का दिख रहा है, तो यहीं पे हम संबोधन को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, हम कहेंगे अरे वह मर गया, तो ये आपका सीधे सीधे संबोधन हो गया, या जैसे बोलते हो हे राम इस तरह से बोलते हो, तो ये भी आपका संबोधन हो गया, तो ये संबोधन हो गए, संबोधन सब पहचान ही लेंगे। बाकी देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आपकी आती है पहचानने में, अपादान संप्रदान और करण, तो यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, यहाँ को है, यहाँ को है, तो अगर को देखिए जैसे वह बन को गया तो आपका ये हो गया, अब यहां जैसे संप्रदान में देने के अर्थ में अगर को आ जाए तो संप्रदान है, ठीक है, और इसी तरह अगर साथ चलने के अर्थ में से आए तो आपका करण है, और अलग होने के अर्थ में आए तो आपका अपादान है। आज का कारक प्रकरण आपका पूरा हुआ, किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, धन्यवाद।